नमस्कार दोस्तों जय हिंद मैं विशाल दुबे फैकल्टी ऑफ साइंस आप सभी का डब्ल्यू डी सोल्जर्स पर स्वागत करता हूँ देखिए सभी लोग बहुत जल्दी से लाइव आ जाइए जो लोग लाइव नहीं है एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं पेज को शेयर करते हैं जिससे कि सभी लोग बहुत जल्दी से भाई लाइव आ जाए और आज जैसा कि आप लोगों को पीछे दिखाई दे रहा होगा कि आज आर्मी एने का पेपर होने वाला है जो कि आप लोगों के लिए बहुत डिमांड में रहता है कि सर पेपर कराइए सर पेपर कराइए पेपर कराइए तो आज हम आपके लिए पेपर को लेके आए हुए हैं आप सभी लोग बहुत जल्दी से आ जाओ भाई और फिर इतने अच्छे तरह से पेपर करेंगे ठीक है कोशिश करेंगे कि ज़्यादा समय बर्बाद ना करें ज़्यादा डिस्कशन ना करें पेपर के पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट बात करें सीधा क्लियर कट बात करें ठीक है और वहाँ से तुरंत मूव ऑन करें तो भाई बहुत जल्दी से आ जाओ भाई पेपर चैप्टर वाइज तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे कोई डाउट नहीं चैप्टर वाइज हम पढ़ाएंगे हमने बोला है हम पढ़ाएंगे कल आपको चैप्टर वाइज मिलेगा भैया कल फिजिक्स का चैप्टर होगा और किस तरह से पढ़ाएंगे वो भी सब उसी में डिटेल दी गई होगी कल जो होगा भाई हम लोग एकदम थ्योरियटिकल क्लास होने वाली है आप लोगों की ठीक है कल आपकी एकदम थियोरेटिकल क्लास होने वाली है और फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर कल आपका पढ़ाया जाएगा भाई आज हम आपके लिए एने का इतना जबरदस्त पेपर लेके आए हुए हैं और आप सब लोग इसको करिए देखते हैं और टारगेट भाई फिफ्टी आउट ऑफ फिफ्टी ठीक है टारगेट भाई लास्ट ईयर पेपर है ठीक है कोई भी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है हम चलो फिफ्टी आउट ऑफ फिफ्टी रखते हैं आज का टारगेट देखते हैं भाई कितने बच्चे जो है 50 आउट ऑफ 50 इसको अचीव कर पाते हैं ठीक है जो 50 आउट ऑफ 50 अचीव करेगा उसको कुछ ना कुछ दिया जाएगा ठीक है कोरियर कराया जाएगा चलो भाई जी का भी बहुत जल्दी होगा ठीक है तो देखो भाई जैसा कि आप लोगों ने अभी तक देखा ही होगा बस एक मिनट का आप लोग समय दीजिए भैया आप हमको बस भाई दो मिनट का समय दीजिए आप लोग जिससे कि बस पीपीटी को लगाया जा सके चलो भाई ठीक है टॉपिक वाइज देखो भाई जो आपका एने का पेपर होता है ठीक है उसमें सबसे पहले पूछा जाता है जनरल नॉलेज जीके से क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं तो हम लोग सबसे पहले जीके के क्वेश्चन करते हैं ठीक है उसके बाद सारे सीक्वेंस में जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री पूछा जाता है हम सब लोग उस तरह से डिस्कस करेंगे एक एक चीज को डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करते हैं ठीक है देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है पूछा जा रहा है पेपर का पहला क्वेश्चन भाई जल्दी से सभी लोग पढ़िए और करिए क्या इसका सही पॉसिबल आंसर हो सकता है पूछा जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एसोसिएटेड विद द अबोलिशिंग सती इन इंडिया ठीक है किसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी ठीक है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए भाई इसका ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड कैनिंग ठीक है, है लॉर्ड विलियम बेंटिक और नन ऑफ दीज बताओ भाई जल्दी से कमेंट करके बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आप सभी लोग टिक करके बताइए और ये भैया एन का पेपर सब लोग करिए आके क्योंकि एन बहुत ज्यादा आप लोगों की डिमांड में रहता है ठीक है टारगेट तो अपना पता ही है सभी को कि 50 आउट ऑफ 50 का हम लोगों ने टारगेट ले रखा है इससे कम नहीं होना चाहिए ठीक है तो भाई देखो लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका सही आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठीक है राजा राम मोहन राय के साथ राजा राम मोहन राय के साथ जो था ठीक है इनके साथ इन्होंने इसको रोक लगाई थी सती प्रकटिस को रोका भी था राजा राम मोहन राय का अब एक आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी टाइटल ऑफ राजा राजा का टाइटल किसने दिया था जल्दी बताओ भाई ठीक है सीताराम अखिलेश राजकुमार कुलदीप सिद्धार्थ रियाज ठीक है जल्दी से कमेंट करके बताओ तो भैया याद रखिए इनको अकबर सेकंड सेकंड जो अकबर अपना था ठीक है उसने राजा राय को राजा की उपाधि दी थी और उसने इन्हीं को भेजा था लंदन अपनी पेंशन क्योंकि उस समय मुगल शासन चल रहा था और मुगल शासन में क्या था पेंशन का दौर चल रहा था तो जो पेंशन को बढ़वाने के लिए उसने इनको लंदन भेजा था ठीक है वहीं पर इनको एक मैनन नाम की बीमारी होती है वो हो जाती है जिससे इनकी मृत्यु भी हो जाती है ठीक है वहां पर इनका क्या नाम है वो जो स्टैचू होता है वो भी वहां पर बना है वेयर इज गोल कुंबज गोल गुंबज बताओ कहां पर है गोल गुंबज कहां पर है दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ चुका है ऑप्शंस को इस तरह से दिए जा चुके हैं बालक कि आंध्र प्रदेश दिया गया है महाराष्ट्र दिया गया कर्नाटक दिया गया है गुजरात दिया गया है आपको सही ऑप्शन को चूज करना है और बताना है वट विल बी द करेक्ट ऑप्शन बताओ भाई जल्दी से कमेंट करके बता दो तो याद रखिए भाई कर्नाटक में है कहां पर है गोलकुंभज कर्नाटक में है देखो पेपर करते रहिए और पेपर के साथ साथ आप लोगों को एक काम और करना होता है एक कॉपी एक पेज लीजिए ठीक है एक पेज लीजिए जिसमें आप लोग ये लिखते रहिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वो पोर्शन आपको कवर करना होता है पेपर करने का बस उद्देश्य इतना होता है कि कहाँ कहाँ से पेपर पूछा जा रहा है हम उन उन चीजों को राइट डाउन करेंगे और उससे नियर बाई जितने भी क्वेश्चन होंगे हम उन सबको करेंगे भाई ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डूरंड कप देखो एक जो होता है स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन आपके पेपर में आता ही आता है ठीक है क्या पूछा जा रहा है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है हॉकी से संबंधित है फुटबॉल से है क्रिकेट से है इनमें से कोई भी नहीं भैया जल्दी बता दो सर मैं महाराष्ट्र से लाइव हूं अच्छा ओके भाई जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या इसका सही होगा डूरंड कप जो होता है बालक वो आपके फुटबॉल से संबंधित होता है याद रखिएगा बच्चा लोग बी से ठीक है बी फुटबॉल विल right हाँ, बी द राइट ऑप्शन और ट्रू ऑप्शन ठीक है यहां हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा आओ बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन टिगरिस रिवर मेनली फॉन थ्रू विच ठीक है जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका क्या ऑप्शन सही होगा ठीक है टिगरिस जो नदी है वो किससे होके बहती है ठीक है तुर्की से बहती है ठीक है सीरिया से इराक से ईरान से बहुत जल्दी से और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ठीक है भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जल्दी से कमेंट करके बता दो क्या इसका ऑप्शन सही होगा देखते कितने बच्चे इसको सही बता पाते हैं तो बच्चा लोग याद रखिएगा इसका ऑप्शन जो होगा बालक ना कि रिवर जो पूछा मेनली फ्लोज थ्रो विच कंट्री किस कंट्री में होता है तो ये इराक ठीक है इराक इसका ऑप्शन सही होगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा इराक में बहती है बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नारायण ठीक है पूछा जा रहा है कि इसमें नारायण कार्तिके केन निम्नलिखित में किससे संबंधित है भाई जल्दी से बताओ नारायण कार्तिकेन किससे संबंधित है ऑप्शन आपके पास है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्शन कमीशन मोटर स्पोर्ट्स नन ऑफ द एव बहुत बढ़िया क्वेश्चन है रियाज का ऑप्शन सही है अभिषेक सिद्धार्थ प्रदीप ठीक है रियाज कुलदीप बहुत बढ़िया बहुत अच्छी तरह से आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं किरण ठीक है सिद्धार्थ पुरुषोत्तम भाई बहुत बढ़िया मोटर स्पोर्ट से संबंधित है।, है जो इंसान जो नारायण साहब हैं ये किससे संबंधित है शकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है शकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन है भाई बहुत जल्दी से क्वेश्चन को कमेंट करके बताइए क्या इसका सही ऑप्शन होगा ठीक है शकुंतलम जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई शकुंतलम के लेखक कौन है भाई जल्दी से कमेंट करके बताओ तो बच्चा लोग याद रखिएगा शकुंतलम के लेखक जो है वो कौन है साहब कालीदास साहब हैं बी अपना ऑप्शन सही हो जाएगा कालीदास बिल बी द राइट ऑप्शन ठीक है आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते भाई पूछा रहा है विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर रिसाइड इन टेन डाउनिंग स्ट्रीट ठीक है टेन डाउनिंग स्ट्रीट किस देश के प्रधानमंत्री निवास करते हैं जल्दी से कमेंट करके बताओ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखते हैं कितने लोग भाई बता पाते हैं ठीक है ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और बहुत उम्दा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए अमेरिका जापान यूनाइटेड किंगडम नन ऑफ द एव बताओ भाई तो बच्चा लोग इसका याद रखिएगा आंसर होगा यूके ठीक है यूनाइटेड किंगडम ठीक है टेन डाउनिंग स्ट्रीट जो है जिसमें निवास करते हैं वो हमारे यूनाइटेड किंगडम के हैं भाई साहब प्राइम मिनिस्टर वो है यहां पर राज करते हैं शाही जिंदगी जीते हैं ठीक है बहुत अच्छी तो यूके अपना सही ऑप्शन हो जाएगा चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर पूछा रहा है बाई हाउ मच टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ग्रीन विश्व टाइम बहुत अच्छा क्वेश्चन है समय समय से भारत कितने समय आगे है ठीक है बहुत इजी क्वेश्चन है कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं है आपको बताना है फाइव सिक्स फाइव एंड हाफ आवर बताओ भाई तो देखो अपना जो ग्रीन, से जो भारत आगे है, ग्रीन जो समय है वो ठीक है वो लंदन में एक जगह पड़ती है वो ग्रीन विच जगह है जहां से भारत फाइव आवर प्लस है ठीक है फाइव आवर ज्यादा है फाइव इज होल टू या फिर ठीक है वन वाई टू भाई इतना आवर आगे है ठीक है अच्छा ये बताइए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है कौन सी जो आप कितने डिग्री पर इंडियन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है बताओ भाई ये जो कुछ है अरे ये क्या बना दिया ठीक है बताओ भाई कुछ इस टाइप से होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने डिग्री है तो याद रखिएगा 82.5 ठीक है 82.5 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है आईएसटी टाइम है अच्छा इसी को क्यों सपोज किया गया है? ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ठीक है इसी को हम लोग कहाँ से कितने राज्यों से कितने स्टेट से ये लाइन गुजरती है ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं किस स्टेट से ये गुजरती है क्या क्या है सब चीजें ये पेपर में आपके पूछी जाती है भाई द लास्ट इंपर ऑफ द मुगल डायनेस्टी वॉज मुगल डायनेस्टी का लास्ट इंपर कौन था लास्ट शासक कौन था मुगल वंश का बहुत अच्छा क्वेश्चन है जल्दी से कमेंट करके बताओ ठीक है मुगल वंश का अंतिम शासक था ठीक है ऑप्शन आपके हैं अकबर है नसरुद्दीन शाही है, है बहादुर शाह जाफरी है और बाबरी है तो बच्चा लोग याद रखिएगा एक ही इसका मात्र ऑप्शन हो सकता है और वो हमारा ऑप्शन होगा सी क्या ऑप्शन हो जाएगा सी बहादुर शाह जाफरी ठीक है बहादुर शाह ठीक है बहादुर शाह ही एक अंतिम शासक था मुगल साम्राज्य का ठीक है तो यहां पर शायद क्वेश्चन खत्म होते हैं एक और द इवेंट बीइंग ऑर्गेनाइज इन दर टू थाउजेंड टेन इन इंडिया एशियन गेम्स ओलंपिक्स एफ्रो एशियन गेम्स नन ऑफ द एव अब भैया ऐसी अगर कहीं करंट अफेयर पूछी जाएगी तो बच्चा कैसे बताएगा बताओ अगर इस तरह से करंट अफेयर पूछी जाएगी तो बच्चा कैसे कर पाएगा जल्दी से कमेंट करके बताओ बताओ भाई जल्दी से कमेंट करके 2010 में आयोजित किया जा रहा कार्यक्रम इसमें से क्या है तो भैया इसमें से याद रखिएगा इसमें से कोई भी कार्यक्रम नहीं है ठीक है शायद एशियाई खेल होगा इसका आंसर ठीक है चलो आगे आओ ठीक है अब देखो भाई जैसा कि आप लोग जानते हो यहाँ पर बायोलॉजी और केमिस्ट्री अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब हमारे आर्मी एन का जो पेपर है उस एन के पेपर में ये सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है हमारा बायोलॉजी का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है बायोलॉजी का आप सभी लोग इसको करिएगा एक एक करके और बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे चलो भाई पूछा जा रहा है चूज द करेक्ट आंसर ठीक है एंड अल्टरनेटिव टू हुप कफ हुपिंग कफ जो वूपी सॉरी हम कह रहे हैं जो कफ होता है जो काली खांसी जिसको बोला जाता है ठीक है काली खांसी जिसको बोला जाता है बच्चा लोग ठीक है जल्दी से कमेंट करके बताओ काली खांसी का एक विकल्प है ठीक है क्रेन ठीक है पर, सॉरी प्लियोरिसी अर्थिटिस और पर्ट्यूशियस भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है जल्दी से कमेंट करके बताओ देखें कितने बच्चे हमारे बता पाते हैं देखो भैया ये जो खांसी है ना जो निरेशन बढ़ती बिल्कुल होती है बेटा देखो ये जो खांसी है ना ये काली खांसी वोपिंग कफ होता है ना इसका जो नाम होता है ये अच्छा पहले तो ये बताओ किससे फैलती है पर्टियोसिस नाम का जो एक बैक्टीरिया होता है या फिर वायरस होता है बैक्टीरिया होता है या वायरस होता है या प्रोटोजोआ होता है ठीक है या फिर फंगस होता है जल्दी से कमेंट करके बताओ ये पर्ट्यूसियस जो काली खांसी होती है वो इसमें किससे होती है बहुत जल्दी से आपको एक एक बच्चे को कमेंट करके बतानी है कालाजार बेटा कालाजार की बात नहीं हो रहा है ठीक है जल्दी से कमेंट करके बताओ भैया ये पर्ट्योसिस जो होती है वो एक बैक्टीरिया के थ्रू होती है काली खांसी ठीक है एक बैक्टीरिया के थ्रू काली खांसी होती है जिसका नाम पर्ट्यूसिस होता है ठीक है तो याद रखिएगा पर्ट्यूसियस इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ठीक है बहुत है, बहुत बढ़िया अच्छा है अच्छा आप लोगों के लिए जल्दी से करके बताओ पुष्प और फल का रंग प्रदान करने वाला प्लास्टिड होता है क्लोरोप्लास्ट होता है रेडोप्लास्ट होता है क्रोमोप्लास्ट होता है ल्यूकोप्लास्ट होता है गुरुजी एक बार डिजीज का रिवीजन करा देना भैया डिजीज का करा देंगे बिल्कुल करा देंगे नो no डाउट और इस तरह से इस ट्रिक के माध्यम से करा देंगे कि कभी आप भूलोगे ही नहीं ठीक है वो ट्रिक बताएंगे हम आपकी कभी आप भूलोगे ही नहीं तो भैया याद रखिएगा इसका आंसर होगा क्रोमोप्लास्ट ठीक है क्रोमोप्लास्ट के थ्रू होता है क्रोमोप्लास्ट हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा सॉरी इसमें नहीं सी होगा लास्ट वाले में होगा चलो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है और सभी लोग इसको पढ़िए और सही जवाब दीजिए देखो क्या हो सकता है गोल्जी बॉडी हेल्प इन जो गोल्जी बॉडी होती है वो किस में हेल्प करता है आपका एक्सक्रीशन में स्टोरेज में ट्रांसपोर्टेशन और रेस्परेशन देखते हैं कितने लोग कितने बच्चे अनुज चौहान बी मोहित सी ठीक है अखिलेश कुमार सी ऑप्शन है जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई ये हमारी क्लास का बहुत रिपीटेड क्वेश्चन हैं बायोलॉजी तो एक भी बच्चा गलत नहीं करेगा जल्दी से मुझे कमेंट करके एक एक बच्चे का आंसर जानने हैं भाई क्या हो सकते हैं इसके आंसर तो भैया याद रखिएगा ये ट्रांसपोर्टेशन में आपका मदद करता है ठीक है सी अपना ऑप्शन सही हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा सी अपना ऑप्शन सही हो जाएगा राइट ऑप्शन आओ ईआर e इंडो प्लास्मिक जो होता है पूछा जा रहा है ई e आर का मतलब इंडो क्या लिख दिया मैंने इंडो प्लास्मिक एंडो प्लास्मिक रेक्टिकुलम ठीक है जो इंडो प्लास्मिक रेक्टिकुलम होता है उसमें पूछा जा रहा है क्या आरबीसी लिवर सेल एडिपोज या फिर बताओ भाई क्या इसका सही आंसर होगा ठीक है जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या डेवलप होता है भाई बहुत जल्दी से कमेंट करके बताओ इसमें क्या डेवलप होता है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई देखते कितने लोग बच्चे इसको बता पाते हैं ठीक है तो भाई देखो याद रखिएगा जो ईयर इंडो वो वेल डेवलप्ड इन ये किस में डेवलप्ड होता है ठीक है लीवर लीवर सेल एडिपोज सेल ठीक है ये तो लीवर सेल में होता है ये बी ऑप्शन अपना सही होगा इसका लीवर सेल ठीक है देखो भाई नेक्स्ट बताओ प्लास्टिड विच इज प्रेजेंट इन द रेड एलगी ठीक है लाल सहवाल जो होता है बताओ भाई लाल सवाल में पाया जाने वाला कौन सा प्लास्टिड होता है लाल सवाल में पाया जाने वाला उस प्लास्टिड का नाम बताइए पूछा जा रहा है क्लोरोप्लास्ट होता है क्रोमोप्लास्ट होता है लीकोप्लास्ट होता है और रोडोप्लास्ट होता है बताओ भाई जल्दी से भाई बहुत जल्दी से कमेंट करके बताओ लाल सहवाल में पाया जाने वाला ठीक है तो याद रखिएगा बच्चा लोग जो लाल सहवाल में पाया जाता है आपका उसका ऑप्शन एक ही सही होगा वो होगा रोडोप्लास्ट ठीक है क्या पाया जाता है तो रोडोप्लास्ट लाल सहवाल में पाया जाता है और हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा स्काइटियंस का ठीक है अनुज मोहित सुरेश रूपेश धर्मेंद्र सिद्धार्थ आप सभी लोगों के आंसर एकदम सही है हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा चलो भाई पूछा रेजिडिटी ऑफ द सेल जो सेल के अंदर जो रेजिडिटी आती है वो किसकी वजह से आता है कोशिका कठोरता का, किसके कारण होती है ठीक है लिग्निन के कारण पैक्टिन की सबरिन और क्यूटीन के कारण बताओ भाई जल्दी से कमेंट करके क्या इसका सही ऑप्शन होगा जल्दी से भाई कमेंट करके बताओ सबसे पहले जो आंसर दिया है वो शिव प्रसाद ने दिया है उसके बाद सुरेश ने दिया है फिर स्कॉटियंस का आंसर आया है आप भी लोग कमेंट करके बताइए प्रदीप का आंसर आया सुरेश ठीक मोहित बहुत अच्छी बात देखो लिग्निन के कारण इसकी जो होती है भैया सेल की कठोरता आती है किसके कारण आती है लिग्निन के कारण याद रखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है पेपर में पूछा जा सकता है ठीक है किसके कारण आती है तो भैया लोग लिग्निन के कारण आती है आओ बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पूछा जा रहा है बोटल कॉर्क इज ऑप्टेंट फ्रॉम जो बॉटल कॉर्क होता है वो किससे पाया जाता है ऑप्शन आपके हैं ठीक है पाइनस से साइकस से क्यूरेस से फिकस से बताओ भाई ये एक टाइप का कॉर्क होता है या फिर छाल होती है याद रखिएगा ये एक टाइप की जो छाल होती है ठीक है इनमें से किससे पाई जाती है ये पूछा जा रहा है इनमें से किससे पाई जाती है तो बच्चा लोग याद रखिएगा इसका सी ऑपना ऑप्शन सही होगा ठीक है क्वार्क से पाया जाता है किससे पाया जाता है? तो ये क्वार्क से पाया जाता है सी ऑप्शन अपना सही होगा भाई क्वार्क से पाया जाता है ठीक है चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर पूछा रहा है पोटाटो इज भाई आलू क्या होता है ये देखो मैंने अभी मैंने जो आपको थ्योरी पढ़ाई थी बॉटनी की उस बॉटनी की थ्योरी में मैंने में आपको ये चीज पढ़ाई थी कि आलू क्या होता है एक भी बच्चा भाई कमेंट गलत नहीं करेगा अभी फिजिक्स केमिस्ट्री भी इसी में आ रहा है ठीक है जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे एक भी बच्चा भाई अगर गलत किया तो बहुत गलत बात है स्काइटियंस अनु चौहान रियाज ठीक है कुलदीप अनूप घोष ठीक है आप सभी लोग जो है कमेंट कर रहे हैं सही कमेंट करें भैया फिजिक्स अभी आ जाएगी बच्चा क्यों परेशान हो ठीक है देखो मॉडिफाइड स्टेम होता है ये मॉडिफाइड आलू क्या होता है कि स्टेम होता है वो कौन सा होता है मॉडिफाइड स्टेम होता है ठीक है तो अपना ए ऑप्शन सही हो जाएगा चलो आ जाओ नेक्स्ट कुछ अलग फ्लोवरलेस प्लांट आर जिसमें फूल रहित पौधे होते हैं उनको क्या कहा जाता है जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई फूल रहित पौधों को क्या कहा जाता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई फूल रहित जो पौधे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं और जल्दी से कमेंट करके बताइए तो याद रखिएगा जो फूल रहित पौधे होते हैं उनको हम लोग साइटो ग्राम्स कहते हैं सॉरी क्रिप्टोग्राम्स कहते हैं ठीक है क्या कहा जाता है तो क्रिप्टोग्राम्स कहा जाता है ए ऑप्शन 100% अपना सही होगा ठीक है ए ऑप्शन सही होगा भाई याद रखिएगा क्रिप्टोग्राम्स कहा जाता है उनको ठीक है भाई पूछा रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द एक्सप्लोसिव किसको हम लोग एक्सप्लोसिव की तरह यूज करते हैं ठीक है हम किस चीज को एक्सप्लोजिव की तरह यूज करते हैं ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं ठीक है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी आपको सही जवाब चूज करना है और बताना है अनूप घोष का आंसर सही है ठीक है सभी बच्चों के लगभग ए ऑप्शन आ रहे हैं तो सभी का सही है ठीक है टी एंड टी कह सकते हैं या फिर ट्रिनेटो टोलियोनिन कह सकते हैं ठीक है टी एन टी अपना ऑप्शन सही हो जाएगा ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन भैया राइट ऑप्शन होगा ए अपना चलो आ जाओ नेम अ साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन द ग्रीन हाउस इफेक्ट फर्स्ट ऑल ठीक है किसने सबसे पहले बताया ग्रीन हाउस गैस के बारे में वो कौन व्यक्ति था जिसने पहली बार बताया तो आपके सामने ऑप्शन हैं जॉन टिंडल डेल्टन मेंडल फर्स्टर बताओ भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन बहुत उमदा क्वेश्चन है भाई जल्दी से बताओ देखते कितने बच्चे लोग बता पाते हैं इस उमदे का आंसर देखते कितने बच्चे बताते हैं इस उमदे का आंसर सभी बच्चे बता रहे हैं बहुत बढ़िया बहुत लजीक ठीक है बहुत अच्छे भाई जॉन टिंडल के द्वारा बताया गया था ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा ठीक है जॉन टिंडल साहब के द्वारा सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के बारे में बताया गया था ए ऑप्शन अपना सही होगा चलो आ जाओ बच्चा फादर ऑफ बॉटनी भैया ये मेरी क्लास का पहला ही क्वेश्चन था जो पीपीटी बॉटनी पढ़ाई थी फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा जाता है पहले ही दिन की क्वेश्चन की क्लास है हमारी क्लास ही क्वेश्चन आए ठीक है भाई जल्दी से कमेंट करके बताओ देखते कितने अरे भैया जल्दी से बता दो यार ये क्वेश्चन आप लोग समय लगा रहे हो बहुत बढ़िया ठीक है, है थियोरो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है बी अपना ऑप्शन सही हो जाएगा ठीक है बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन भाई चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व विटामिन बी ट्वेल्व की डिफिशियंसी से कौन सा रोग हो जाता है आपके सामने बीमारी है अनिमिया हो जाता है पलेग्रा स्कर्वी बेरी बेरी जल्दी से बढ़ता हो भाई कमेंट करके क्या इसका सही ऑप्शन होगा हाँ कमेंट थोड़ा लेट आ रहे हैं सिद्धार्थ बेटा कोई बात नहीं लेकिन आप लोग अपने कमेंट एकदम कंटिन्यू रखिएगा ठीक है बताओ भाई तो भैया जो होता है बी ट्वेल्व जो होता है उससे एनीमिया रोग हो जाता है ये भी मेरी बहुत बार ये सब चीजें भाई बायोलॉजी का एक भी क्वेश्चन नहीं है ठीक है जो टफ हो तो ये अपना ऑप्शन सही हो जाएगा आ जाओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉस्ड बाई बैक्टीरिया आपको बताना है बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है ऑप्शन आपके सामने है कॉलरा है मिजल्स है मलेरिया है ठीक है और एलिफेंटियासिस है ये भाई ऑफलाइन की अभी मैंने क्लास ली थी कहाँ पर ली थी अभी जल्दी क्लास ली थी ऑफलाइन में उसमें मैंने ये सारी बीमारी कवर की हुई है ठीक है तो मुझे उम्मीद है कि उसी से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक है तो आप लोग मुझे बहुत जल्दी से बताइए ये क्या इसका आंसर सही होगा ठीक है कुलदीप कश्यप ठीक है कॉलरा सभी बच्चों का आंसर ये आ रहा है ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छे ठीक है कॉलरा आंसर हो जाएगा भाई हैजा आंसर ए विल बी द राइट ऑप्शन रिकेट्स इज अ डिजीज इन विज द ऑर्गन ऑफ द बॉडी दैट इज अफेक्टेड ठीक है क्या होगा इससे लेग्स होती हैं मसल्स होती है बोन ऑफ द लेग्स होते हैं भाई जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सी ऐसी समस्या है जो आपके रिकेट्स बीमारी में हो जाती है ठीक है तो रिकेट्स बीमारी हमने आपने देखा होगा कि जो आपकी हड्डियां होती हैं वो ठीक नहीं होती हैं बोन ऑफ द लेग्स ठीक है तो अपना डी ऑप्शन सही हो जाएगा बोन ऑफ द लेग्स पैर की जो हड्डियां होती हैं वो क्या हो जाती कमजोर हो जाती है रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होती है बच्चा लोग एक बार कमेंट करके बताओ ये किस विटामिन की कि कमी से होता है है ये किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता ठीक है जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई भाई बहुत जल्दी से बताओ रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है तो याद रखिएगा भाई विटामिन डी की कमी से होता है विटामिन डी की कमी से दो रोग होते हैं बच्चा लोग दो कौन से रोग होते हैं जल्दी से कमेंट करके बताओ ठीक है विटामिन डी की कमी से दो रोग होते हैं ठीक है जल्दी से बता दो एक बार कमेंट करके भाई बहुत स्लो ऐसे कैसे काम चलेगा जल्दी से बता दो दो रोग कौन से होते हैं विटामिन डी आप लोग इतने बड़े हो चुके हो विटामिन डी के बारे में इतनी बार बताया हुआ है ठीक है रिकेट्स एंड ऑस्टोमेलिशिया बहुत सही रिकेट्स हो जाता है और ऑस्टोमेलिशिया हो जाता है रिकेट्स बच्चों में होता है ऑस्टोमेलिशिया बड़े लोगों में होता है या ठीक है भाई अब बताओ आवाज़ आ रही है क्लियर है जल्दी से कमेंट करके बताओ प्लीज चेक चेक कर लिया है आवाज़ आ रही है एक बार आप मुझे कंफर्म कर दीजिए ठीक हाँ है देखो ये समझ आया क्वेश्चन हमने बोला छह आदमी दस दिन में डेढ़ सौ रुपए कमा रहे हैं तो आठ आदमी सात दिन में मान लो एक सौ रुपए कमाएंगे इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एक सौ चालीस रुपए आ जाएगा और एक सौ चालीस ही इसका आंसर हो जाएगा बोलो भाई क्लियर है ना चलो ठीक है भाई आगे आओ पूछ रहा है सम ऑफ द टू नंबर इज देखो दो नंबर का सम चवालीस है पूछ रहा है इफ वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर नंबर एक नंबर अगर तीसरे थ्री टाइम्स मतलब तो तीन गुना ज्यादा है देखो अगर एक नम, दो नंबर का सम है जैसे कोई भी दो नंबर का सम ले लेते हैं हम और पूछा तीसरा नंबर क्या है थ्री टाइम है इस नंबर का पहला नंबर का वो थ्री टाइम है तो थ्री एक्स इजकल टू तो कितना हो जाएगा फोर्टी फोर हो जाएगा थ्री वन फोर एक्स इजकल टू तो फोर्टी फोर तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी इलेवन आ जाएगी ठीक है और क्या पूछा जा रहा था आपसे दो नंबर पूछे जा रहे तो एक तो नंबर इलेवन हो जाएगा और इसका थ्री टाइम देखोगे आप तो थ्री से मल्टीप्लाई कर दोगे तो थर्टी थ्री बच्चा लोग आ जाएगा तो इलेवन और थर्टी थ्री इसका डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा इलेवन और थर्टी थ्री डी अपना ऑप्शन सही हो जाएगा चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर पूछा जा रहा है इसके फैक्टर बताने हैं आपको ठीक है देखो इसके फैक्टर बहुत इजी होते हैं फैक्टर करना कुछ भी नहीं होता है हम बाई स्क्वायर प्लस टू बाई माइनस थ्री हम यहाँ जो इसका कॉफिशियेंट होता है उससे इसका मल्टीप्लाई कर देते तो थ्री आ जाएगा और हमको इस तरह से करना होता है कि अगर हम एडिशन करें या सब्ट्रैक्ट करें तो ये आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए तो बाई स्क्वायर प्लस ठीक है थ्री बाई माइनस बाई माइनस थ्री अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे थ्री और वन का तो थ्री आएगा इसको इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो भैया प्लस टू आएगा ठीक है समझ पा रहे हैं आप लोग तो यहां से बाई देखो अगर यहां से बाई कॉमन ले लेंगे तो बाई प्लस थ्री हो जाएगा और यहां से माइनस वन कॉमन ले लेंगे तो बाई प्लस थ्री हो जाएगा तो बाई प्लस थ्री और एक हो जाएगा बाई माइनस वन ठीक है बाई माइनस थ्री बाई प्लस थ्री और बाई माइनस वन अपना बाई माइनस वन बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा ठीक है तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन बच्चा लोग नेक्स्ट पर आओ द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का आपको फॉर्मूला बताना है बहुत इजी होता है भाई कुछ भी नहीं होता मैं ये क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा और ना इसका फॉर्मूला बताऊंगा ठीक है बताओ भाई जल्दी से देखते हैं कितने बच्चे कितने सही लोग इस कमेंट कर पाते हैं इस फॉर्मूला देना है बच्चा कुछ नहीं करना है इसमें इसमें कुछ नहीं करना है इसमें फॉर्मूला देना है और फॉर्मूला देखते हैं फोर बाई थ्री पाई आर क्यू होता है बच्चा भी अपना ऑप्शन सही हो जाएगा पॉपुलेशन ऑफ अ ब्लेज इज इतना है द रेशियो ऑफ द मेन एंड वुमेन इतना है फाइंड द नंबर ऑफ द मेन कुछ भी नहीं करना है बच्चा बहुत इजी क्वेश्चन है कैसे हम बताते हैं देखो आपको पुरुषों की संख्या बतानी है ठीक है वुमे मैन और वुमेन का रेशियो कितना दिया गया है थ्री टू टू दिया गया है इन ठीक है टोटल वैल्यू फाइव यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है टोटल थ्री टू फाइव होता है फाइव यूनिट की वैल्यू टू सेवन फाइव डबल जीरो दी गई है आपसे किसकी पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है मैन का रेशियो पुरुषों की संख्या बताओ तो तीन बटा पांच इन टू सेवन फाइव डबल जीरो ठीक बताओ बच्चा लोग इसमें कोई समस्या है आपको इसमें कोई समस्या है आपको जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो फाइव फाइव जब पचम पच्चीस होता है दो इधर आ जाएगा पचम पच्चीस हो जाएगा ठीक है और ये जीरो आ जाएगा आपका ठीक है इससे इससे थ्री फाइव या फिफ्टीन और थ्री फाइव या वन सिक्स वन सिक्स फाइव वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चा लोग ठीक है वन सिक्सटी फाइव आ रहा है तो वन सिक्सटी फाइव मतलब क्या हो जाएगा अपना सी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चा लोग आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो आ गया भैया फिजिक्स एज पर योर डिमांड ठीक है एने क्या? जो थर्ड पार्ट होता है ठीक है जिसमें फिजिक्स आपसे पूछी जाती है ठीक है तो अब हम लोग फिजिक्स को डिस्कस करेंगे साउंड नहीं आ रही साउंड नहीं आ रही क्या भाई जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या साउंड में अभी भी दिक्कत आ रही है साउंड में कोई इशू है जल्दी से कमेंट करके बताओ साउंड नहीं आ रहा है ये कैसे हो सकता है भाई अब तो आ रहा होगा मैं मैं आता हूं एक बार साउंड अभी भी दिक्कत दे रहा है क्या ठीक है ठीक है भाई आ रहा है साउंड आ रहा है ठीक है थोड़ा एक बार आप अपने आप को थोड़ा फोन सही करिए पूछा जा रहा है क्वेश्चन पहला व्हेन वन जंप्स आउट ऑफ द बोट्स इन अ काम सी देन द बोट विल बी गो द डायरेक्शन बताना है कि जब आप शांत जल में कूदते हैं तो आपको क्या दिक्कत होती है या फिर क्या महसूस होता है जल्दी से कमेंट करके आप लोग मुझे बताइए भाई बताओ भाई जल्दी से कमेंट करके देखो जब आप कूदते हो तब यहां पर न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है न्यूटन भाई का न्यूटन भाई का थर्ड लॉ जो बताया था भाई हमारा वो अप्लाई होता है न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है कि जब आप कूदोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है विपरीत दिशा में बच्चा लोग ठीक है क्या हो जाएगा न्यूटन का थर्ड लॉ यहां पर लगता है ठीक है अपोजिट डायरेक्शन में होगा ये अपना ऑप्शन सही हो जाएगा जल्दी जल्दी चलो भाई समय नहीं बचा है उंड इन द लाइटनिंग बिकॉज ऑफ हम बिजली में ध्वन से पहले प्रकाश को देखते हैं क्योंकि लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड साउंड इन द बाय बाई क्लाउड साउंड ट्रेवल्स द फास्टर देन द लाइट नन ऑफ दम्दा क्वेश्चन बहुत अच्छे ऑप्शन आपके लिए डेकोरेट किए गए हैं तो आपको बताना है क्या ऑप्शन सही होगा देखो बच्चा क्या देखना है वो ये देखना है कमेंट में देखो लाइट ट्रेवल फास्टर हमने बताया है अभी तक ऐसी दुनिया की कोई भी स्पीड नहीं बनी है जो लाइट की स्पीड को क्रॉस कर सकती है ठीक है तो लाइट की स्पीड फास्ट चलती है और साउंड की स्पीड स्लो होती है तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चा लोग ठीक है प्रकाश की ध्वनि तेज यात्रा में गत करता है ठीक है चलो भाई टू बॉल्स मूविंग टुवर्ड्स द ईच कोलाइड एंड देन मूव अपार्ट फिजिकल क्वांटिटी हुज वैल्यू इज द सेम बिफोर द कोलिजन आफ्टर इट बताओ भाई जल्दी से बहुत अच्छा क्वेश्चन है ठीक है बताओ भाई जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा इसका आइटियंस बहुत बढ़िया भैया फोर्स मोमेंटम वेलोसिटी एक्सेलेशन ठीक है तो बच्चा भाई जल्दी से कमेंट कर दो क्या इसका सही होगा प्रत्येक की ओर बढ़ने वाली दो गेंदें टकराती हैं और अलग अलग के बजाय भौतिक मात्रा जिसका मान टक्कर से पहले के समान होता है क्या कहा जाता है तो भैया याद रखिएगा जो पहले के समान होता है उसको क्या कहा जाता है जल्दी से कमेंट करके बताओ देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब देंगे बच्चा कुछ बच्चे एक्सलेशन बता रहे हैं ठीक है कुछ मोमेंटम बता रहे हैं कुछ बता रहे डे इज़ राइट होगा ठीक है तो देखो भाई इसका जो आंसर होगा वो तोरण होगा मोमेंटम एक्सलेशन ठीक है एक्सलेशन राइट एज द टेचर ऑफ अ लिक्विड द सरफेस टेंशन ठीक है बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई एज द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड अगर लिक्विड का टेम्परेचर राइज किया जाता है और हमने ये भाई ऑफलाइन में ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है कि अगर टेम्परेचर को राइज करते हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा भाई जल्दी से बताओ टेम्परेचर को अगर राइज करोगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखते हैं कितने लोग बताते हैं भाई तो याद रखिएगा देखो जैसे ही तरल का तापमान बढ़ता है तो सतह के तनाव क्या होता है घटता है हमारा डिक्रीज हो जाएगा डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा विल डिक्रीज डिक्रीज करेगा याद रखिएगा हमारा कम हो जाएगा ठीक है डी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फ्रंट ऑफ अ अन्वेक्स मिरर बिटवीन एफ एन टू एफ एफ और टू एफ बिटवीन रखा गया है तो द इमेज फॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा बच्चा ठीक है क्या बताना है आपको इमेज का फॉर्मेशन बताना है भाई बहुत जल्दी से इमेज का फॉर्मेशन आप बताइए कहां पर हो सकता है और वो कैसा होगा बहुत जल्दी से कमेंट करके बताओ वर्चुअल इरेक्ट स्मॉल इन साइज रियल इरेक्ट स्मॉल इन साइज रियल इन्वर्टेड इन लार्ज रियल इन्वर्टेड स्मॉलर इन, इन साइज ठीक है, जल्दी से बताओ भाई कमेंट करके भाई जल्दी से कमेंट करके बताओ ठीक है तो हमारा यहां पर हो जाएगा वर्चुअल इलेक्ट्री स्मॉल इन साइज ए ऑप्शन सही हो जाएगा अब हमारे भैया यहां से कुछ स्टार्ट होते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, ठीक है अब हमारे यहां से केमिस्ट्री का के क्वेश्चंस आते हैं जो कि हमारा फोर्थ सॉरी फिफ्थ पार्ट है ठीक है हमारा यहाँ पर फिफ्थ पार्ट है अब केमिस्ट्री के जो आपके एने के लिए क्वेश्चन आते हैं अब हम उनको करेंगे और बहुत उम्दा क्वेश्चन आपके लिए हैं क्या है बहुत ज्यादा ही उम्दा क्वेश्चन है उम्दा आप लोग समझते हो बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए बहुत नाइस क्वेश्चन चलो भाई आगे आते हैं पूछा द नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज इन एटम इज इक्वल टू एटॉमिक वेट इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन नन ऑफ द बताओ भाई भाई बहुत जल्दी से कमेंट करके बता दो क्या ऑप्शन सही, सही होंगे वो हमारा इलेक्ट्रॉन पे होता है तो इलेक्ट्रॉन हमारा सही आंसर हो जाएगा चुनाव देखो ये कहा चुनाव आ गया भाई चुनाव कहाँ से आ गया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा ये उत्तर प्रदेश में चला आया है क्या भाई उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं तो यह उत्तर प्रदेश में आ जाएगा क्या भाई ठीक है जे जे थॉम्सन ने इसकी खोज की थी ठीक है इलेक्ट्रॉन की खोज जो थी ठीक है जे जे थॉम्सन साहब ने की थी अच्छा इलेक्ट्रॉन पे कितना नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे कितना नेगेटिव चार्ज होता है मुझे आप कमेंट करके बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ इलेक्ट्रॉन पे कितना नेगेटिव चार्ज होता है देखते हैं बच्चा लोग कितना बता पाते हैं भाई भाई ये बताना है इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव चार्ज होता है वो कितना चार्ज नेगेटिव होता है ये अच्छा क्वेश्चन है सॉरी बताओ भाई जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर नाइनटीन बहुत सही ठीक चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग द कैल्शियम कार्बोनेट जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो तो क्या होता है बहुत जल्दी से भाई कमेंट करके बताओ जब आप किसी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो तो क्या होता है ऑक्सीजन निकलता है हाइड्रोजन निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड नन ऑफ द एब बताओ भाई तो याद रखिएगा जब आप हीट करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है क्या निकलता है बच्चा लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड निकलने का चलो भाई वॉट ऑफ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफ्लोरो कार्बन ठीक है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है या देखिए आपके पेपर में क्लोरोन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है जल्दी से बताओ भाई कमेंट करके क्लोरो कार्बन का सॉरी क्लोरो फॉर्म का क्या होता है ठीक है तो अपना होता है सीएच सी एल थ्री होता है बच्चा लोग बी ऑप्शन सही हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड बाई द फिजिकल मैथड किस चीज को हम फिजिकल मैथड के थ्रू अलग कर सकते हैं बच्चा लोग किसको फिजिकल मैथड के हम लोग अलग कर सकते हैं ऑप्शन आपके सामने है मिक्सचर के थ्रू कंपाउंड एलिमेंट नन ऑफ द अबव बताओ भाई जल्दी से सर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज चेक करना एक बार मैं करता हूं भाई हो सकता है मैंने कुछ गलत लिख दिया हो मैं चेक कर लेता हूं और सही कर देता हूं मैं उसको जब अभी पीपीटी दूंगा ना उसमें सही कर देता हूं ठीक है जल्दी से बताओ भाई बहुत उम्दा क्वेश्चन है जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या इसका सही ऑप्शन होगा ठीक है तो याद रखिएगा भैया ठीक है पिक्चर टू इजी टू रिमूव ठीक है मिक्चर होता है इसका फिजिकल मिश्रण को अरे सॉरी सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है बताओ भाई पूछा जा रहा है व्हाट ऑफ द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है उसको हम क्या कहते हैं रिएक्टेंट्स कहते हैं प्रोडक्ट कहते हैं कैटलिस्ट कहते हैं रिएजेंट कहते हैं बताओ भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपको सिर्फ उसका नाम बताना है जो पार्टिसिपेट करता है आपको उसका नाम बताना है बच्चा लोग जो सिर्फ पार्टिसिपेट करता है देखते हैं कितने बच्चे जो हैं वो सही जवाब देंगे ठीक है रिएक्टेंट्स कहा जाता है या फिर प्रोडक्ट कहते हैं कैटालिस्ट कहते हैं देखो जैसे मान लो ए प्लस बी कोई अभिक्रिया करके कोई जो चीज बना रहे हैं वो ए है तो ए जो होगा वो तो आपका प्रोडक्ट कहलाएगा ये आपका प्रोडक्ट कहलाएगा और ये आपके रिएक्टेंट कहलाएंगे ये आपके रिएक्टेंट कहलाते हैं ये ऑप्शन सही होगा हमारा रिएक्टेंट कहलाते हैं ये ऑप्शन सही होगा याद रखिएगा भाई विच इज स्वीटेस्ट सुगर आपको बतानी है स्वीटेस्ट सुगर कहा कौन सी होती है ठीक है जल्दी से बताओ भाई स्वीटेस्ट सुगर के बारे में आपको बताना है तो भैया याद रखिएगा ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रक्टोज हमारा सही हो जाएगा फ्रक्टोज विल बी द करेक्ट ऑप्शन सबसे स्मीठी सरकरा होती है आपको बताना है जैसे सी एल थर्टी फाइव दिया गया है और सी एल थर्टी सेवन दिए गए हैं तो इसमें बताना है आइसोमर्स है, आइसोटोप्स है, आइसोबार्स है, नन ऑफ द एब आपको सही जवाब को चूज करना है और सही सटीक आंसर देना है बताओ भाई बच्चा लोग क्या होगा इसका आंसर तो याद रखिए आइसोटोप होगा क्या होगा आइसो होगा ठीक आइसोटोप होगा हमारा ठीक है इसमें क्या है ये हमारा देखो भाई बी ऑप्शन सही होगा आइसोटोप विल बी द करेक्ट ऑप्शन ठीक बच्चे भाई आइसोटोप आगे आ जाओ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोलाइड कौन इसमें से एक कोलाइड नहीं है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई मिल्क ब्लड देखो कोलाइड के बारे में मैंने आपको जो ब्लड चैप्टर था ये मैंने जब ब्लड पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि कोलाइड एक्चुअली में होता क्या है कोलाइड वो चीज होती है जो जिसमें लिक्विड पार्ट्स भी होता है और आपके हार्ड सब्सटेंस भी होते हैं तो याद रखिएगा हनी जो है वो हमारा कोलाइड नहीं है शायद हमारा दूध क्या है सॉरी हमारा जो ब्लड है ब्लड ये नेचुरल कोलाइड कहा जाता है और ये होता भी है नेचुरल कोलाइड याद रखिएगा कभी पेपर में पूछ ले कि नेचुरल कोलाइड का उदाहरण दीजिए हमको बताइए साहब नेचुरल प्राकृतिक हिंदी में क्या कहते हैं इसको प्राकृतिक कोलाइड क्या होता है ठीक है कल को आपसे पेपर में पूछ ले साहब हमको बताओ प्राकृतिक कोलाइड क्या होता है तो हमारा जो रक्त होता है हमारा जो खून होता है हमारा जो रक्त होता है या फिर जो इंग्लिश में जिसको ब्लड कहते हैं बच्चा ठीक है जो खून होता है वो हमारा नेचुरल कोलाइड होता है ठीक है डी ऑप्शन सही हो जाएगा चलो भैया ठीक है आगे आ जाओ भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज द ब्लू इन कलर ऐसा इसमें से कौन सा सॉल्ट होगा जो ब्लू होगा कलर में बहुत अच्छा क्वेश्चन बहुत उम्दा क्वेश्चन है ठीक है भाई जल्दी से कमेंट करके बताओ जो लोग आप बताना चाहते हो इसका क्या होगा इसका फेरस सल्फेट होगा कॉपर सल्फेट होगा कोवोल्ट क्लोराइड होगा एलम होगा बताओ बच्चा भाई जल्दी से कमेंट करके बता दो कितना इसका आंसर सही होगा देखते हैं भैया कितने बच्चे इसको सही बता पाते हैं तो याद रखिएगा कॉपर सल्फेट का कॉपर सल्फेट ठीक है आपका कॉपर सल्फेट जो होगा इसका सी यू ये आंसर सही होगा भाई कॉपर सल्फेट वट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथेन जो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है इथेन का केमिकल फॉर्मूला बहुत इजी है देखो आपको पता होता है पहले मिथ होता है फिर इथ होता है फिर प्रूफ होता है फिर ब्यूट होता है ये सब कार्बन के नंबर्स हैं एक कार्बन होता है इसमें दो कार्बन होते हैं इसमें तीन कार्बन होते हैं इसमें चार कार्बन होते तो भैया दो कार्बन वाले को कहते हैं हम क्या कहते हैं चाचा दो कार्बन वाले को कहते हैं हम इथेन तो हमारा दो कार्बन यहाँ पर सी होगा ठीक है यही हमारा सही हो जाएगा चल भाई आगे आते हैं बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ द पोटेशियम आपको पोटेशियम का सिंबल बताना है इसमें से क्या होता है भैया पोटेशियम का सिंबल अगर आप लोग नहीं बताए ना कसम से कसम से बता रहे हैं अगर पोटेशियम का सिंबल नहीं बताए तो क्या हाल होगा वो आप ही बताओगे ठीक है तो ये आपका के ऑप्शन सही हो जाएगा ठीक है राइट ऑप्शन बिल्कुल बात सही है बच्चा बिल्कुल बात सही है सी सभी के सही आंसर है भाई बहुत बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया उम्दा उम्दा ही टू गैसेस इन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड आर आपको बतानी है ठीक है सल्फ्यूरिक एसिड की और की तैयारी में प्रयुक्त दो गैसें कौन सी हैं आपको उन दो गैसों के नाम बताने हैं कृपया करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन होता है भैया या फिर सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन होता है सल्फर डाइऑक्साइड ये फिर ऑक्सीजन होता है या फिर क्लोरीन होता है जल्दी से बताइए मिस मत करिए बहुत जल्दी से क्वेश्चन को रीड करिए फिर बताइए क्या इसका सही ऑप्शन बच्चा होगा हम तो याद रखिएगा इसका सही होगा सल्फर डाइऑक्साइड होता है और हमारा हाइड्रोजन होता है बी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चा सेफ्टी मैचेस कंटेन सुरक्षा मैचों में शामिल होता है फास्फोरस क्लोरीन सिलिकॉन फ्लोरीन बताओ भाई जल्दी से कमेंट करके बताना है आपको भाई बहुत जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोगों के लिए क्या सही ऑप्शंस हो सकते हैं क्या आप गैस करके बता सकते हैं तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा फास्फोरस ठीक है <coughs> फास्फोरस विल बी द राइट ऑप्शन और रेड फास्फोरस होता है ठीक है कौन सा होता है देखो जो आप माचिस जो आप माचिस यूज करते हो उस माचिस में वो रेड कलर की आप जो देखते हो ना जिसको किस तरह से आप लेते हो आपने देखा होगा जलाने के लिए भाई ऐसे किया तुमने आग निकाल दी तो वो रेड फॉस्फोरिस होता है क्या होता है रेड फॉस्फोरस होता है हमारा ठीक है याद रखिएगा चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं विच वन ऑफ द अमंग द फॉलोइंग गैसेस रेडली कंबाइंस विद द हीमोग्लोबिन्स ऑफ द ब्लड अरे भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी ऐसी गैस है रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ आसानी से मिल जाती है ठीक है और जब रक्त के आसानी से ऑफलाइन क्लास कब से होगा सर भैया ऑफलाइन क्लास इन्फॉर्म किया जाएगा अभी हमको भी नहीं पता ऑफलाइन कब होगा ठीक है जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई क्या होगा तो भैया याद रखिएगा एक ही अपनी गैस है जिसको बहुत प्यार होता है हमारे हीमोग्लोबिन से वो है कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस होती है जिसको इतना ज़्यादा अफेक्शनेट होता है हीमोग्लोबिन से और जो जाके जम जाती है और इससे मृत्यु तक हो सकती है भाई इंसान मर सकता है ठीक है इसीलिए कहा जाता है कि सर्दियों में जो आप ये क्या बोलते हैं हीटर वगैरह चला लेते हैं तो परमानेंट इसको चला के मत सोइएगा इसको बंद कर दिया करिए जो आप ये स्वीट पॉइजन होता है बात सही बच्चा बोला कौन बोला नीलेश भैया बहुत सही स्वीट पॉइजन होता है ये ठीक है कमरे में कहा जाता है कमरे बंद करके लकड़ी जला के मत सोना चाहिए आदमी अपना जला लेता है सर्दी में ठीक है लकड़ी से राहत मिलेगी लेकिन वो कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो जाती है जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड में होगी अपने हीमोग्लोबिन से चिपकेगी और हमको लेके चली जाएगी ऊपर तक इतनी गर्मी दे देगी भाई कि मत पूछो तो ये सब काम नहीं करने वाला है लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का द लास्ट भैया बहुत जल्दी से बताओ और हम बहुत अच्छा आपके लिए अनाउंस करेंगे कुछ भाई जल्दी से कमेंट करके बताओ फिर बहुत तंगड़ा अनाउंस करते हैं कुछ आपके लिए देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं तो याद रखिएगा मैराथन साइंस कब लीजिएगा सर मैराथन भी क्लास आएगी भाई मैराथन भी होगी क्यों परेशान हो आप क्यों पड़े हो चक्कर में भाई ठीक है तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन और हीलियम ठीक है हाइड्रोजन और हीलियम इसका सही आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन इस तरह से हमने 50 के 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए किस बच्चे के 50 में 45 क्वेश्चन सही हैं किस बच्चे के 50 में 45 क्वेश्चन सही हैं जल्दी से अपना नाम बोले भाई जल्दी से नाम बोलो भाई किसके पचास में पैंतालीस क्वेश्चन सही है जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई बहुत उम्दा ठीक है हाँ बिल्कुल बात सही है फ्यूचर भाई फ्यूचर फुल ठीक है आगे ठीक है सब ठीक है अब अब मुझे आप जल्दी से कमेंट करके बताओ किसके फुट वाह बहुत बढ़िया प्रदीप बहुत वेल डन भैया ठीक है क्या नाम है पुनूलाल मोहले पचास फोर्टी सिक्स सही है आपको बहुत वेल डन प्रिया बोत्रा फोर्टी सेवन वेल डन ठीक है भैया लोग याद रखिएगा इसमें जिस बच्चे के फोर्टी फाइव आ रहे हैं फोर्टी फाइव प्लस है बहुत उम्दा उसका प्रदर्शन रहा है इसमें ठीक है बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है भाई इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहो ठीक है एक दिन जॉब की आपके हाथ में होगी ठीक है एक दिन जॉब आपके हाथ में होगी आप ठीक है बस बहुत बढ़िया चालीस नंबर आए हैं कोई बात नहीं है थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है आप ठीक है ठीक है आप थोड़ा सा पढ़ाई एफर्ट और करिए पढ़ाई के साथ आपके वो भी मार्क्स एनहेंस हो जाएंगे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हाँ बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम आते हैं हमने प्रीवियस ईयर पेपर सारे देखो भाई बहुत टफ नहीं पेपर आता है पेपर में इतना ही टफ लेगा तो आपको नीट कराएगा ना पेपर नीट में आ जाओ भाई फिर इसकी तैयारी का क्या मतलब है ठीक है पचास में चालीस सर ठीक है, है सिलेक्शन का चांस है सर बिल्कुल है भैया ठीक है चालीस क्वेश्चन सही हो रहे हैं मतलब आपको प्लस फाइव टू सेवन क्वेश्चन और सही करने की आवश्यकता है पांच से सात क्वेश्चन और करिए ठीक है जॉब आपके हाथ में होगी भाई बिल्कुल होगी ठीक है तो अब देख लो भाई कल का अनाउंसमेंट क्या है हमारा कल का अनाउंसमेंट है कि हम कल पेपर आपको फिजिक्स कराने वाले हैं स्टार्टिंग से ठीक है फिजिक्स ठीक है देखो भाई हम लोग फिजिक्स करने वाले हैं बहुत स्टार्टिंग से ठीक है और पहला चैप्टर होगा यूनिट एंड मेजरमेंट ठीक है यूनिट एंड मेजरमेंट और इस क्लास को इस तरह से पढ़ाएंगे कि जो कुछ भी हम आपको पढ़ाएंगे जो कुछ भी हम आपको पढ़ाएंगे उस क्लास में ही थ्योरी के बाद में हम पांच से चार से मिनिमम पाँच क्वेश्चन लाएंगे जो कि आपको देखेंगे आपने कितना पढ़ा है पाँच एमसीक्यू लाएंगे उसी से संबंधित हम पता करेंगे आपने कितना पढ़ा है और कितनी चीज़ें आपको समझ आई हैं तो थ्योरी थ्योरी के बाद पाँच एमसीक्यू लेके आएंगे जिससे आपको भी अच्छा लगेगा कि हमारा कॉन्फिडेंस क्या है सब चीज़ें भैया क्लियर होने वाली हैं कतई दिक्कत की परेशानी की बात नहीं एने का पेपर सेट करवाइए प्लीज़ एने का पेपर सेट करवाइए भाई हर मंडे को एवरी मंडे या देख लो भाई जितने भी मंडे होंगे हम सभी मंडे को इसका एने का टेस्ट करेंगे ठीक है और सैटरडे को हम लोग जी का टेस्ट करेंगे ठीक है सैटरडे को हम लोग जी का टेस्ट करेंगे भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगी इतनी बिंदास तरह से भाई यहाँ अब हम आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं इतने बिंदास तरह से पढ़ाने वाले हैं कि आपको एकदम मज़ा आ जाएगा भाई ठीक है बहुत अच्छे तरह से बहुत अच्छी तरह पीपीटी बना के एकदम ठीक है हम लोग कहाँ जाएंगे एने का होगा ओनली तो सबके साथ विकास होना चाहिए भाई सभी का पेपर होगा सबके जितने भी डिफेंस संबंधित एग्जाम होते हैं जितने भी डिफेंस से एग्जाम होते हैं वो हम सभी के पेपर कराएंगे सारे के सारे मतलब ऑल एग्जाम कंडक्ट सभी भैया प्रैक्टिस पेपर कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है टेक्निकल का टेक्निकल के जो टेक्निकल के लिए सेट करवाइए प्लीज़ इंग्लिश और हिंदी दोनों में ठीक है बिल्कुल कराएंगे और क्लर्क का पेपर भी होगा क्लर्क का पेपर कराएँगे हमारे प्रशांत सर ठीक है प्रशांत सर आपको क्लर्क का पेपर कराएँगे आके भाई बच्चा लोग ठीक है क्लर्क का पेपर प्रशांत सर कराएंगे आके कोई परेशानी की बात नहीं है ठीक है भाई तो आज हम लोगों ने एने का पेपर किया कल हम थ्योरेटिकल क्लास लेके आ रहे हैं सिर्फ आपके लिए आप उसको पढ़िए समझिए और बहुत अच्छी पीपीटी के साथ बहुत सुपर क्लास होने वाली है कल की तो कल के लिए आप सब लोग बने रहिए ठीक है, है कल सब लोग आप सॉरी बने नहीं रहिए कल आइएगा ठीक है फिर मिलते हैं दस बजे दस से ग्यारह अब चलते हैं ठीक है समय हो चुका है अब आपकी सर क्लास लेंगे आके ठीक है याद रखिएगा सर अब क्लास लेने आ रहे हैं आपके चलो भाई हंसते रहो मुस्कुराते रहो और डेली जो आपकी साइंस की क्लास चलाई जाती है उसको देखना मत भूलिएगा ठीक है और कोरोना से सावधान रहिएगा ठीक है और हंसते रहिए बस चलो फिर जय हिंद टेक केयर बाय और आज का सेशन कैसा लगा ये भी चीज़ आप लाइक करके बता सकते हैं कमेंट करके हमको बता सकते हैं आज का सेशन आज कैसा लगा ये दोनों चीज़ें आपके लिए हैं कमेंट और लाइक जो भी आपको अच्छा लगता है डिसलाइक भी लगता है तो कर दो कोई इशू नहीं है ठीक है जय हिंद टेक केयर एंड बाय